अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेजर। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह के डिजाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इन हाउस प्रोडक्शन सेटअप फर्स्ट टाइम इन भिवंडी, नाउ एट क्वार्टर गेट निजामपुरा रोड नियर राम भवन होटल भिवंडी। आज भिवंडी शहर में कोरोना के शून्य मामले सामने, जिससे भिवंडी शहर का कुल आंकड़ा रहा 10,692। 472 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई, साथ ही 10 लोगों का इलाज जारी है। वहीं 185 लोगों का आज कोरोना टेस्ट हुआ। 2 जुलाई को भिवंडी कुरेश नगर में जमील कुरेशी को अरेस्ट करने गए पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें निजामपुरा पुलिस ने 12 लोगों को सेक्शन 353 के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार हुए 12 आरोपियों का पक्ष एडवोकेट अमोल कांबले ने कोर्ट में रखा, जिनकी ठोस दलीलों की वजह से सभी को 4 अगस्त को जमानत पर कोर्ट ने रिहा किया। बोईसर पालकर क्राइम ब्रांच को टिप मिलने पर गुजरात हाईवे के चारोटी नाका पर एक टेम्पो से प्रतिबंधित पान मसाला एवं गुटखे को किया जब्त, साथ ही टेम्पो ड्राइवर रिजवान खान को किया गिरफ्तार, जो कि गोवंडी मुंबई का रहने वाला है। विमल गुटखा पान मसाला की कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सेक्शन 328, 188, 272, 273 और 34 के तहत कासा पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। बुधवार की शाम पनवेल के जोशी अली रोड पर दीपेश जैन नामक सोने के व्यापारी अपनी वर्कशॉप से सोने के दागिने लेकर दुकान जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार ने दीपेश के सर पर जोरदार फटका मारा और 110 तोले सोने से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सोने की कुल कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसीटीवी में हुआ पूरा मामला कैद। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब दिलाने के लिए कॉर्पोरेशन के ही 2 एम्प्लॉय लोगों को पैसा लेकर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर देते थे, जिस पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की फर्जी सिग्नेचर होती थी। जब ऐसा ही एक फर्जी लेटर हेड खुद अशोक नायकवाड़े के हाथ लगा, तब सारे मामले का खुलासा हुआ। कैलाश चेंगड़े और राजू चौहान दोनों को उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस ने फोर्जरी के मामले में लिया हिरासत में। ब्रेक द चेन रेस्ट्रिक्शंस में मुंबई को मार्केट शॉप्स टाइमिंग पर रिलैक्सेशन मिल गया, लेकिन जॉब पर आने आने वाले लोगों के लिए मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में अब भी ट्रैवलिंग करने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन के 2 डोजेज लगवा लिए हैं उन्हें तो ट्रैवल करने की इजाजत दी जाए। दुबई से दिल्ली ट्रैवल कर रहे 3 सूडानी पैसेंजर को चेकिंग के दौरान दिल्ली कस्टम ने करीब 4 किलो गोल्ड के साथ किया गिरफ्तार। तीनों पैसेंजर पर कस्टम एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। गोल्ड की कुल कीमत 1,82,00,000 रुपए बताई जा रही है। सेंसेक्स 123 अंकों की बढ़त के साथ 54,492 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 16,254 पर हुआ बंद। गोल्ड 47,600 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 67,020 पे ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 5,121 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।